गुड इवनिंग ऑल, आई एम एसी सर, और उम्मीद करता हूँ कि सभी ने बहुत ही अच्छा इस बार एग्जाम में किया होगा। तो आज हम जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर इस बार आया है नीट का, अगेन इट्स अ वेरी इजी पेपर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हैं, बट बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है काफ़ी इजी। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन जो 18 है उसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। वी ऑल नो कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी हमारे पास, एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल। तो वहां पे दोनों ही डायमेंशन लेस होती हैं, और आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन चेक करेंगे उसमें हमें ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी थी जो डायमेंशन लेस, जो कि ऑप्शन फोर्थ में हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल होता है और जो स्ट्रेन होता है वो दोनों ही डायमेंशन लेस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज फोर्थ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, बिकॉज जो भी क्वांटिटीज हम देख रहे हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमें इस क्वेश्चन में ढूंढनी थी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में हमारे पास स्ट्रेन एंड एंगल होगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो ग्रेविटी पे बेस्ड है। किसी प्लैनेट के बारे में बताया गया कि वो प्लैनेट जो है उसका मास अर्थ के मास का 1/10 है और डायमीटर हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है जी, उसकी वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, 9.8 होती है। उसकी वैल्यू को हम निकालते हैं बाई द फॉर्मूला जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब जो प्लैनेट है उसके बारे में हमें क्या बोला गया कि प्लैनेट का मास 1/10 हो गया, यानी अगर हम प्लैनेट के लिए डेटा यूज करें तो वी कैन यूज जी मास ऑफ प्लैनेट इज एम ई बाय 10, 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ। और अगर हम रेडियस की बात करें तो हाफ डायमीटर मतलब रेडियस भी हाफ हो गया होगा, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आर ई बाय 2 होल स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा 4/10 का फैक्टर, बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर जो दे रखा है ऊपर, उसकी वैल्यू 9.8। सो इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो प्लैनेट के लिए हमें जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा 4 × 9.8 डिवाइडेड बाय 10। अब 9.8 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 4 के साथ तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 39.2 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो हो जाएगा जीपी इज 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर थर्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स पे। क्वेश्चन में जो हमें डेटा दे रखा है कि n+1 डिवीजंस मैचिंग विद n डिवीजंस ऑफ मीन स्केल। सो यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर डिवीजंस वर्नियर स्केल में एक ज्यादा होता है मीन स्केल से तो वी कैन यूज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, जिसको हम वर्नियर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट जो बोला है क्वेश्चन में उसका मतलब है लीस्ट काउंट। अब यहाँ से लीस्ट काउंट का हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में हमें टोटल डिवीजन्स n+1 गिवेन है, तो 1 MSD डिवाइड बाय n+1। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि वर्नियर कॉन्स्टेंट की वैल्यू उन्होंने सेंटीमीटर में हमसे डिमांड की, जबकि हमें जो मेन स्केल डिवीजन गिवन है वो है 0.1 मिलीमीटर। तो डेफिनेटली हम इसे चेंज करेंगे सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय n+1। अब अगर आप ऑप्शंस के साथ जाएं तो हम इस 0.01 को लिख सकते हैं 1/100 इंटू 1/n+1। सो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो आंसर इज ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स के, पर आप टेबल को बहुत स्मार्टली रीड करते हैं तो आपको रीड करते ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आप टेबल में बी ऑप्शन को देखिए, मतलब जो बी आउटपुट हमें इनपुट हमें दे रखा है उस इनपुट को आप देखिए, तो जो बी इनपुट आपको दे रखा है उसमें उसकी वैल्यू जीरो है, आउटपुट में उसकी वैल्यू वन दिखा रखी है। बी की वैल्यू जब वन हुई तो आउटपुट में उसकी वैल्यू वाई पे जीरो दिखा रखी है, फिर से जीरो पे वो वन दिखा रहा है और वन वन पे जीरो, यानी पूरी के पूरे टेबल में जो भी उसने इनपुट उठाया है बी का वो हमेशा उसके इनवर्स में वाई का आउटपुट दे रहा है। सो बाय द सिंपल लॉजिक हमारे पास y रिलेशन फॉलो कर रहा है, y इक्वल्स टू b बार, यानी जो भी हम b का इनपुट देंगे y में हमें उसका इनवर्स मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, जो हम टेबल को रीड करके बहुत आराम से स्टडी कर सकते थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर सेकंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो द पोटेंशियल फॉर डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस, तो हमारे पास उसका एक रिलेशन होता है, हम सभी जानते हैं उसका रिलेशन होता है वी इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन हमारे पास होता है उसमें क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है कि पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस या अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब डाइपोल की एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर लिया तो डेफिनेटली हमारा थीटा क्या हो जाएगा फॉर एक्सियल पॉइंट, फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा हो जाएगा 0 degree और थीटा हो जाएगा 180 degree एंड द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर हमारे पास हो जाएगी 2। अब अगर हम इस डेटा को पुट करें तो हमारा जो ऑप्शन है प्लस माइनस 9 × 10³ वोल्ट वो मैच कर रहा है, क्लियर, तो हम उस ऑप्शन को निकाल सकते हैं। जो हमारे पास डेटा आएगा उसके हिसाब से अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो के की वैल्यू 9 × 10⁻, जो वैल्यू ऑफ पी है क्वेश्चन में वो गिवन है हमारे पास 4 × 10⁻⁶। नाउ यूज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एज प्लस माइनस 1 डिपेंडिंग अपॉन थीटा 0 एंड थीटा 180। अब यहां से लास्ट में हमें पुट करना था आर स्क्वायर तो वो हमारे पास नीचे आ जाएगा 4। अब अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9 × 10³ वोल्ट। और इसी के साथ जो हमारा रीजन है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो रीजन में जो हमें फॉर्मूला दे रखा है प्लस माइनस 2p, यहाँ पे ये 2 फैक्टर इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, यही एक मिस्टेक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो रीजन फॉल्स है, ए इज ट्रू, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए आंसर 2। क्लियर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि इजिली कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्मूला जानता है पोटेंशियल का तो वो इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is based upon a very simple concept of transformer. We all know कि transformer में equation follow होती है चाहे transformer ideal हो या non-ideal हो। उसमें जो ns upon np का ratio होता है, we all know this is equals to vs upon vp। यानी जो इसमें potential हमें secondary और primary के पास मिलेगा वो हमारे पास relation follow होता है। अब देखिए सबसे important है इसमें ratio क्या पूछा है और क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया तो है आपको np अपॉन ns 1/2, तो इसके हिसाब से पहले हम निकाल लेंगे vp अपॉन vs। अब बच्चों देखते ही हमें लगेगा कि आंसर 4 सही है, लेकिन वो गलत है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा हमसे क्या है, क्वेश्चन ने हमसे उल्टा पूछा है, vs रेशियो vp पूछा है। सो vs रेशियो vp की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 2:1। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो देखिए ये छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि रेशियोज के क्वेश्चन बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में रेशियो पूछा किसका है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन अगर किसी ने रेशियो की वजह से गड़बड़ की होगी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now, this question is based upon the very simple theory of Young's double slit experiment. मैं क्लास में अक्सर इसका डिस्कशन करता हूँ स्टूडेंट से कि जब हम व्हाइट लाइट से YDSC करते हैं तो उससे क्या चेंजेस होते हैं। देखिए व्हाइट लाइट में आपके सारे कलर्स आ जाते हैं। अब जो पॉइंट होता है ना आपका स्क्रीन के ऊपर, उसकी हम बात कर लेते हैं। वी ऑल नो कि आपका जो भी पॉइंट ओ होता है स्क्रीन का, आप इस पर कैसी भी लाइट डालिए उसकी वेवलेंथ कुछ भी होगी, लेकिन सभी की सभी लाइट इस पॉइंट पे हमेशा हमेशा डेल्टा एक्स कितना शो करेंगी बच्चा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा ऑल द कलर्स विल शो देयर मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा एट पॉइंट ओ। सो एक पॉइंट ओ पे जहां पे सारे के सारे कलर हमें एक साथ अचीव हुए मैक्सिमा पे, इसीलिए जो पॉइंट ओ होगा वो सेंट्रल पॉइंट होगा। और वो सेंट्रल पॉइंट हमें किस कलर का दिखाई देगा, सेंट्रल पॉइंट इज वाइट। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वी ऑल नो कि ऊपर जाने पर या नीचे आने पर पाथ डिफरेंसेस जो होंगे डिफरेंट कलर्स के वो बदलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही पाथ डिफरेंसेस बदलेंगे तो डेफिनेटली जो वेवलेंथ हमें मिलती है उसके हिसाब से मैक्सिमा और मिनिमा हर कलर का अलग अलग लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि व्हाइट कलर YDSS से हम ये पता लगा सकते हैं व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन, लेकिन जैसे ही हमारे पास बाकी कलर्स को हम देखेंगे तो बाकी कलर्स पूरी स्क्रीन पे हमें कलर दिखाई देंगे, तो पूरी स्क्रीन हमें कलर दिखाई देगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, यानी द सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज हमें मिलेगी, उससे सराउंडेड होंगे फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। सो फॉर 24 आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं काफी इजी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं और बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है स्टूडेंट्स कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्प्रिंग का यूज करके बॉब को हम सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी इनिशियल जो स्पीड है वो ओमेगा है और उसका टेंशन हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम देखें कि लेट्स से दिस इज द बॉब एंड बॉब हैविंग अ मास एम। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट यहाँ पे होगा नहीं। अब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट यहाँ पे अगर होगा नहीं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो टेंशन होगा दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि रेडियस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज कॉन्स्टेंट। सो इफ रेडियस इज नॉट गोइंग टू चेंज तो टेंशन डिपेंड्स ऑन मास एंड ओमेगा। मास ऑब्वियसली बात है सेम बॉब हम यूज कर रहे हैं तो मास विल आल्सो कांस्टेंट। सो वी कैन से टी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा बिकम्स डबल सो न्यू टेंशन टी न्यू विल बी टू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम रेशियो लें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का तो इजीली वी कैन पिक द करेक्ट आंसर, टी अपॉन टी न्यू इज इक्वल्स टू 1/4। सो वी कैन से टी न्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आंसर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनएलएम, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन का अगर हम एफबीडी भर भी बना लें तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों बॉडी स्मूथ इंक्लाइन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम को मानते हुए एक्सेलरेशन यहाँ निकालना चाहेंगे। दिस इज 3 kg, दिस इज 2 kg, यहाँ हम एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया है F 10 न्यूटन का, ठीक है। अब ये फोर्स लगाने के बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे सिस्टम का, तो हम कह सकते हैं F बराबर मास ऑफ सिस्टम इनटू ए। सो फोर्स इज 10, मास इज 5 फॉर द सिस्टम। सो ए हमें यहाँ से ऑप्टेन हो जाएगा और ए की वैल्यू हो जाएगी 2 m/s². अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके बाद अगर हम एफबीडी बनाएं तो हम कह सकते हैं कि जो 2 kg है उसे इधर से एक फोर्स लगा 10 न्यूटन और इसे इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगा एन, और यही नॉर्मल रिएक्शन 2 kg ने 3 kg को भी लगाया होगा एक्शन रिएक्शन से। सो बाय द एफबीडी वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस एन। अब हम इक्वेशन लिखेंगे किसपे स्टूडेंट्स, सिर्फ 3 kg पे। एक्सेलरेशन हमने ऊपर की इक्वेशन से ऑप्टेन कर लिया 2 m/s²,
सो अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 into 2। सो अगेन ये इक्वेशन बहुत सिंपल है और इसका जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा 6 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन यानी ऑप्शन 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे विजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत बेसिक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करते हैं और फिर हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पता लगाना चाहते हैं भाई अगर यहाँ से करंट निकालने की बात हो तो करंट कितना कितना होना चाहिए। तो देखिए करंट निकालना है हमें और जो बैटरी हमें दे रखी है वो नॉन आइडियल बैटरी हमें दे रखी है। इजीली हम करंट आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास 10 divided by total resistance 5, सो इट्स 2 एम्पीयर। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दूं कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेल है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यानी ये पूछा गया है हमसे। अब आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये बिल्कुल इजीली हम ऊपर से पता लगा सकते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ ए और बी की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे 4 ओम रेजिस्टेंस के भी टर्मिनल्स का वोल्टेज बता रहे हैं। तो इसका मतलब है हम उस 4 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं तो इजीली आ जाएगा हमारे पास 2 into 4 यानी इट इज 8 वोल्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन 2। सो आंसर इज 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर पे हमें दिया गया, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये सेंट्रल रिस्क जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और यहाँ पे कोई चार्ज भी डिपॉजिट नहीं होगा। सो हमारा सिंपल सर्किट इसके बाद क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड सीरीज हो जाएगा और नीचे बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर ब्रांच मिल जाएगी हमें इस तरीके से 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। अब यहां से अगर ऊपर वाली ब्रांच को हम सॉल्व करें तो ऊपर वाली ब्रांच का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड और अगर हम नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। अब ये पूरा सिस्टम अगर हम देखें तो ए और बी के अक्रॉस ये पैरेलल कैपेसिटेंस है जिसका हम आंसर निकाल सकते हैं सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट ऑप्शन इज 4। सो आंसर इज 4। आंसर इज 4। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो बेस्ड है हमारे पास न्यूक्लियाई चैप्टर से और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये सब जानते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए स्टेटमेंट 2 जो है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने स्ट्रेट ऑप्शन हमें दिया है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल इज इट। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं एलिमेंट्स के जो कि अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं और इसी वजह से वो हमें कुछ रेडिएशंस एमिट करके देते हैं। तो देखिए जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 2 कहीं ना कहीं अपने दोनों जो
लाइंस उसने लिखी हैं, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल और स्टिल दे आर एमिटिंग करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, तो स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी आंसर टू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआई। यहाँ पे एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट की वजह से हमें पता लगाना है कि हमारे पास करंट इंड्यूस की डायरेक्शन सॉलिनॉइड वन और सॉलिनॉइड टू कितना होगा। देखिए मैं इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ, इसका जो सही सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग है कि हमारे पास अगर हम पहला सॉलिनॉइड देखें जो हमें कुछ इस तरीके से दिया होगा, इस तरीके से, तो आपकी जो मैग्नेट है वो इससे दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है इस तरीके से, तो इस वजह से ये जो हमारा सोलेनोइड है ये क्या चाहेगा कि ये मैग्नेट इससे दूर ना जाए, है ना, तो मैग्नेट से दूर ना जाए तो इस तरीके से ये अपनी एक खुद की मैग्नेट जनरेट करना चाहेगा जिसमें यहां साउथ पोल आ जाए, यहां नॉर्थ पोल, क्लियर। अब वहां से अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरीके से करंट फ्लो करवाना पड़ेगा कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल राइट और लेफ्ट ये हमें इस तरीके से मिल जाए, है ना। तो यहां से अगर हम करंट देखें इसमें तो बहुत सिंपली हम ये देख सकते हैं कि अगर हम करंट इस तरीके से फ्लो करवा, यानी ए से करंट निकले और ए से करंट निकलते हुए वो बी से एग्जिट करे, तो इस तरीके से करने पर हमारे पास नॉर्थ और साउथ की मैग्नेट फॉर्म हो जाए, यानी इस वाले सॉल्वर में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी, क्लियर। अब डायरेक्शन अगर हम बात करें सोलेनोइड टू में तो वो हम यहां बना सकते हैं, सोलेनोइड टू, सोलेनोइड टू में हमारा जो साउथ पोल है वो उसे अप्रोच कर रहा है। अब अगेन अगर वो उसे अप्रोच करेगा तो हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चाहेगा कि वो उसे अप्रोच करे, तो ऐसे में वो क्या करेगा, एक मैग्नेट जनरेट करेगा जो उसे रिपेल करेगा, और इस वजह से हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साउथ पोल और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो देखिए दोनों सोलेनोइड अगर हम देखें तो उनके जो मैग्नेट्स बन रहे हैं वो उल्टे बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर हम करंट की डायरेक्शन को देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये करंट की डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास बिल्कुल रिवर्स करंट चलेगा इस तरीके से, डी से करंट जाएगा और ये सी से निकलने की कोशिश करेगा, क्लियर। तो डी से करंट जाएगा और सी से निकल जाएगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इसमें करंट सी डी से सी हो जाएगा और उसमें ए से बी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इज फोर्थ। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए क्वेश्चन 31 जो है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फोटोन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और फोटोन की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि लाइट सी स्पीड से जा रही है तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी फोटोन होगा उसकी एनर्जी हमेशा होती है एच यू, तो इसलिए ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। दूसरा हम भी जानते हैं कि जो भी फोटॉन्स होते हैं वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करते हैं, तो बी भी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी में बोला है द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी बराबर एच न्यू बाय सी। अब देखिए हम ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है फोटोन के लिए उसके लिए हम रिलेशन जानते हैं एच बाय लैम्डा और ई बाय सी, वी ऑल नो दैट। अब ये ई बाय सी में अगर ई की वैल्यू आप पुट कर दें ऊपर वाले ऑप्शन से तो ये हो जाएगा एच न्यू बाय सी, सो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी इज ऑल्सो करेक्ट।
अब अगर हम स्टेटमेंट डी पे जाए कि फोटोन जब कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ऑब्वियस सी बात इन सारी प्रोसेस में मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी वो था कंजर्व। सो डी ऑप्शन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बट देखिए ई ऑप्शन आप देखते ही पढ़ते ही समझ जाएंगे, जिसमें बोला है कि फोटॉन्स पजेस पॉजिटिव चार्ज। वी ऑल नो दैट फोटॉन्स डज नॉट हैव मास, द रेस्ट मास इज जीरो, और कोई भी बॉडी जिसके पास मास नहीं होता है वो कभी चार्ज पजेस नहीं कर सकता। सो ई इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ई इज इनकरेक्ट। तो हमारे अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है ए बी सी डी ऑनली, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। जैसा कि सुनने में आया था कि जो रोलिंग है वो हट गया है, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि हम बेसिक रोलिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और उसी पे देखिए क्वेश्चन आ भी गया है ना। जिन्होंने बेसिक रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सब लोग जानते हैं कि रोलिंग की कंडीशन क्या होती है। दे ऑल नो रोलिंग की कंडीशन होती है कि जो हमारे पास कांटेक्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी जो पॉइंट क्यू है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। और जो हमारे पास टॉप पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वी प्लस ओमेगा आर। तो बाय लुकिंग एट दिस वी कैन इजीली पिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पॉइंट पी मूव्स फास्टर देन पॉइंट क्यू। सो करेक्ट आंसर इज आंसर फर्स्ट। देखिए रोलिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड था, और अगर किसने सही से इसको पिक किया होगा तो आराम से वो आंसर कर पाया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हम बेसिकली क्रिटिकल एंगल का भी यूज करेंगे और जो स्नेल स्लो की इक्वेशन है उसको भी हम यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे फ्रेम किया गया है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दिस इज राइट एंगल्ड, यहां से हमारी रे एंटर होती है और दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ ये R1 एंगल पे जाती है और यहां से फिर क्रिटिकल एंगल ये फ्रेम करती है R2, और इस तरीके से इस सरफेस के पैरेलल रे को निकलते हुए दिखाया गया इस तरीके से। तो यहां से एक सीधा कॉन्सेप्ट तो हम लिख ही सकते हैं कि जो हमारा R2 है वो कहीं ना कहीं थीटा सी है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो हमारा साइन थीटा सी हम सब लोग जानते हैं, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो डेफिनेटली साइन थीटा सी हो जाएगा 1/μ। तो साइन R2 इज साइन थीटा सी, तो हम ये यूज कर सकते हैं साइन R2 इज साइन R2 इज साइन थीटा से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/μ। अब बाकी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, जैसे कि हम इक्वेशन क्या लगा सकते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस इस पे हम यूज कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस पे इस पे हम स्नेल्स लॉ को यूज कर रहे हैं। तो देखिए स्नेल्स लॉ अगर हम इस पे यूज करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 × sin 30 डिग्री इक्वल्स टू अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू साइन R1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे कंसीडर कर लिया है और दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि प्रिज्म में जो एंगल R1 प्लस R2 होता है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, R1 को पुट कर देंगे 90 डिग्री माइनस R2। इस तरीके से अगर इक्वेशन वन में, सॉरी इक्वेशन टू में इसको पुट करें हम, तो वहां से इक्वेशन बन जाएगी साइन 30 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है, जिसको हम यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा म्यू, यहां से इक्वेशन बन जाएगी कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस R2। अब इस इक्वेशन का अगर हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 1/2 म्यू एंड दिस इज कॉस R2। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ से कॉस R2 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। कॉस R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2।
अब हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी और इक्वेशन थर्ड जो हमने बनाई है, आप इनमें क्या करिए, स्क्वायरिंग और एडिंग यूज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, साइन स्क्वायर आर टू और कॉस स्क्वायर आर टू हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर आर टू एंड कॉस स्क्वायर आर टू हमारे पास फ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय म्यू स्क्वायर और 1 बाय 4 म्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। अब इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5 बाय 4 म्यू स्क्वायर। सो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/2। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा था बट इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शंस में, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर इज फर्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को जानते हैं इसके वो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए 34 क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। वी ऑल नो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा जो ओमेगा होता है वो कॉन्स्टेंट होता है और जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड वेलोसिटी में स्पीड जो होती है वो भी कांस्टेंट होती है। तो स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन वो चेंज हो गई होती है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इस तरीके से अगर हम देखेंगे डिफरेंट मोमेंट्स पे तो वो चेंज होगी, और एक्सेलरेशन को अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो पार्टिकल जैसे जैसे अपनी पोजिशन चेंज करेगा एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ लगने की वजह से डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, इट हैज वेराइंग वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेराइंग एक्सेलरेशन। क्लियर, तो ये वेराइंग एक्सेलरेशन और वेराइंग वेलोसिटी दोनों यहाँ पे हमारे करेक्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए हमारे पास, आंसर इज। तो स्टूडेंट्स आई होप कि जो भी सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिले हैं आप उससे बिल्कुल चेक करेंगे अपने पेपर को और उम्मीद है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलिए इतना ही रखते हैं।